हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल लर्निंग बाय डूइंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। आज का मोटिवेशन कोट, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। इफ यू वांट टू शाइन लाइक द सन Then learn to burn like the sun. Move करते हैं first question पे। किस कंपनी ने भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसिडर नियुक्त किया है? Which company has appointed Indian cricketer Rohit Sharma as its brand ambassador? Option है Glenmark Pharma, Tata Consultancy Services Limited, HCL, जॉनसन एंड जॉनसन। इसका राइट आंसर है ग्लेनमार्क फार्मा। दवा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी ग्लेनमार्क फार्मा ने कहा कि उसने क्रिकेटर रोहित शर्मा को अपने कैंडिडेट पाउडर उत्पाद के लिए ब्रांड एम्बेसिडर बनाया है। रोहित शर्मा दुनिया के पहले और एकमात्र बल्लेबाज हैं जिन्होंने 4 T20 वनडे शतक लगाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएटेड द्वारा वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर हैज रिसेंटली बीन अवार्डेड द ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड बाय द कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएटेड? ऑप्शन है नेपाल, चीन, भारत, रूस। इसका राइट आंसर है भारत। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री को कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट CERA द्वारा वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने COVID-19 महामारी से लोगों को बचाने के प्रयासों को बढ़ाने हेतु अपने पहले बड़े टीकाकरण क्लिनिक का उद्घाटन किया? विच कंट्री रिसेंटली इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट मेजर वैक्सीनेशन क्लिनिक टू इंक्रीज इफोर्ट टू सेव पीपल फ्रॉम द COVID-19 एपिडेमिक? ऑप्शन है चीन, रूस, न्यूजीलैंड, जापान। इसका राइट आंसर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने COVID-19 महामारी से लोगों को बचाने के प्रयासों को बढ़ाने के लिए अपने पहले बड़े टीकाकरण क्लिनिक का उद्घाटन किया। यह क्लिनिक दक्षिण ऑकलैंड में खोला गया था और यह शुरू में सीमा कार्यकर्ताओं के घर के सदस्यों को लक्षित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अभिनेता को 19 मार्च 2021 को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म एकाइक्स FIAF द्वारा सम्मानित किया जाएगा? Which of the following actors will be honored by the International Federation of Film Archives FIAF on 19 March 2021? Option है अमिताभ बच्चन, सलमान खान, अजय देवगन, मिथुन चक्रवर्ती। इसका राइट आंसर है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्कइक्स FIAF द्वारा सम्मानित किया जाएगा। अभिनेता भारतीय सिनेमा के पहले शख्स हैं जिन्हें विश्व फिल्म जगत में उनके योगदान के लिए FIAF पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पार्टी विधायकों की नाराजगी के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट आफ्टर द डिसप्लेजर ऑफ द पार्टी MLAs? ऑप्शन है राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, तमिलनाडु।
इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 9 मार्च 2021 को राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात की और अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफा देने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मैं लंबे समय से राजनीति कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुरस्कार से सम्मानित भारतीय एथलीट ईश्वर सिंह देओल का निधन हो गया है? विच अवार्ड विनिंग इंडियन एथलीट ईश्वर सिंह देओल हैज पास्ड अवे। ऑप्शन है अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार, ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। इसका राइट आंसर है ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय एथलीट ईश्वर सिंह देओल का निधन हो गया है। पंजाब के ईश्वर सिंह देओल ने खेल के प्रति अपने आजीवन योगदान के लिए 2009 में ध्यानचंद राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे द्वारा यात्रा के दौरान सभी प्रकार के प्रश्नों शिकायतों सहायता हेतु हाल ही में जारी हेल्पलाइन नंबर निम्न में से क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिसेंटली इश्यूड हेल्पलाइन नंबर फॉर ऑल टाइप्स ऑफ क्वेरीज कंप्लेंट्स असिस्टेंस ड्यूरिंग द जर्नी बाय इंडियन रेलवेज। ऑप्शन है 136, 137, 138, 139। इसका राइट आंसर है 139। भारतीय रेलवे यात्रियों के सफर को सुगम बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। भारतीय रेलवे ने सभी मौजूदा हेल्पलाइन नंबरों की जगह अब 139 नंबर जारी किया है, जिससे यात्रियों के लिए इस नंबर को याद रखना और रेलवे से जुड़ना आसान हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य को भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में शीर्ष स्थान दिया गया है? विच स्टेट हैज बीन गिवन द टॉप पोजीशन इन लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन रिसेंटली? ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में शीर्ष स्थान दिया गया है। इसके बाद पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु का स्थान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीरथ सिंह रावत ने हाल ही में किस राज्य के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? तीरथ सिंह रावत हैज बीन श्रॉन इन एज द 10th चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट रिसेंटली? ऑप्शन है पंजाब, उत्तराखंड, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। तीरथ सिंह रावत ने बुधवार को उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। इसके साथ ही पिछले 4 दिनों से प्रदेश में चल रही राजनीतिक उथल पुथल पर पूर्ण विराम लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया है? अंडर विच स्कीम हैज द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट स्टार्टेड ए चैंपियन टू क्रिकेट ए गोल्डन कार्ड? ऑप्शन है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आयुष्मान भारत योजना। इसका राइट आंसर है आयुष्मान भारत योजना। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य भर में आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने के लिए एक अभियान शुरू करेगी। इस अभियान का उद्देश्य राज्य भर में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में जागरूकता फैलाना और लाभार्थियों विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सक्षम बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डस्ट लेक भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है?
Dust League is a military exercise between India and which country? ऑप्शन है नेपाल, उज्बेकिस्तान, चीन, रूस। इसका राइट आंसर है उज्बेकिस्तान। डस्ट लीग भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक सैन्य अभ्यास है। संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग का दूसरा संस्करण उत्तराखंड के चौबटिया में शुरू हुआ। इस अभ्यास में दोनों देशों की सेनाओं के लगभग 45 सैन्य कर्मी भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार में रहते हुए प्रादेशिक सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद निम्न में से कौन बन गए हैं? वो है बिकम द फर्स्ट एमपी टू बिकम कैप्टन इन द टेरिटोरियल आर्मी वाइल इन गवर्नमेंट। ऑप्शन है अनुराग ठाकुर, मनोज तिवारी, रमेश विधूरी, गौतम गंभीर। इसका राइट आंसर है अनुराग ठाकुर। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर प्रादेशिक सेना में कैप्टन बने हैं। वह इससे पूर्व लेफ्टिनेंट के पद पर सेवारत थे। अनुराग ठाकुर देश के पहले सांसद बन गए हैं जो बतौर सांसद सेना में रेगुलर कमीशन ऑफिसर के रूप में कैप्टन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय कैबिनेट ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने के लिए बीमा कानून 1938 में संशोधन को मंजूरी दे दी? The Union Cabinet approved an amendment in the Insurance Act 1938 to increase the foreign investment FDI limit in the insurance sector from 49% to what percentage? Option है 54%, 64%, 74%, 84%। इसका राइट आंसर है 74%। केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% करने के लिए बीमा कानून 1938 में संशोधन को मंजूरी दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? उदयपुर साइंस सेंटर हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, असम, त्रिपुरा। इसका राइट आंसर है त्रिपुरा। उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन त्रिपुरा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर को सरकार की इज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 1 मिलियन से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में सबसे अधिक रहने योग्य शहर के रूप में स्थान दिया गया है? विच सिटी इज रैंकेड एज द मोस्ट लिवेबल सिटी इन द गवर्नमेंट इज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 कैटेगरी ऑफ सिटीज विद अ पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 1 मिलियन। ऑप्शन है भुवनेश्वर, सिलवासा, गांधीनगर, शिमला। इसका राइट आंसर है शिमला। शिमला को सरकार की इज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 1 मिलियन से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में सबसे अधिक रहने योग्य शहर के रूप में स्थान दिया गया है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।